IBN 7 Horsefly. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। सुबह 10 बजे आज शनिवार की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का शंखनाद, और शंखनाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचकर खाली हाथ रहने वाली बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर बीजेपी का चुनावी बिगुल फूकेंगे। बीजेपी ने रैली में 1.25 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी की है। रैली दोपहर 1 बजे के बाद से ही शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस रैली में दिल्ली के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अपने सबसे कामयाब चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, और इस चुनावी लड़ाई का शंखनाद खुद पीएम मोदी रामलीला मैदान में रैली से करेंगे। पीएम की रैली के लिए रामलीला मैदान को पूरी तरह सजाया संवारा गया है। लोगों को लाने ले जाने के लिए 2700 बसों को लगाया गया है। सुरक्षा के लिए एसपीजी और राजस्थान पुलिस की भी सेवाएं ली जा रही हैं। रैली को पीएम के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी संबोधित करेंगे। देखिए, मुद्दे बिल्कुल साफ हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट चुनाव में जब हम जीत करके आए थे और दिल्ली की जनता से जो हमने वायदे किए थे, 7 MP हमारे जीते थे, और उसमें निश्चित रूप से हमने कुछ ना कुछ अपने वायदे कहे थे कि दिल्ली को हमको कैसा बनाना है, और केंद्र सरकार ने उन वायदों को काफी तरह से अपनी तरह से पूरा करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक के बाद एक 4 राज्यों में जीत हासिल की है। इस रैली में 3 नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, झारखंड के रघुवर दास और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का सम्मान भी किया जाएगा। नवंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर रह गई थी, जिसके चलते 15 साल बाद दिल्ली की सत्ता पाने का बीजेपी का सपना अधूरा रह गया था। इसलिए बीजेपी इस बार मिशन 60 को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर 2700 शहरों के अंदर से लोग आएंगे जी, उसमें हमें उम्मीद है कि 1.25 लाख के करीब की संख्या, जनसंख्या के रूप में लोग यहां पर पहुंचेंगे। भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान भी होगा, लेकिन हर किसी की नजर इस मंच पर होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए क्या कोई नई घोषणा का ऐलान करते हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। इतनी भव्य रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे इस रैली को, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें तो पुलिस ने यहां पर सुरक्षा का इंतजाम कड़े कर दिए हैं, साथ ही कई रास्तों को भी अब बंद कर दिया गया है। इसलिए अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं आज के दिन, तो जरा जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उस पर जरूर नजर डाल लें। रामलीला मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त है। रैली स्थल तक जाने वाली और आसपास गुजरने वाली कई सड़कों को यहां पे बंद कर दिया गया है, खासकर की कमर्शियल गाड़ियों के लिए। कई रूट की बसों के रास्ते भी बदल दिए गए हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और कश्मीरी गेट बस अड्डा जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के चलते आज दिल्ली में कुछ रास्ते जो बंद हैं उनकी जानकारी हम आपको यहां पे दे दें। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर दिल्ली गेट से राजघाट, कमला मार्केट से अजमेरी गेट, कमला मार्केट से हमदर्द की ओर पहाड़गंज और शीला सिनेमा से अजमेरी गेट की ओर रास्ता बंद रहेगा। कुछ और रास्ते हैं जिन पर आज गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। मिंटो लाल बत्ती से कमला मार्केट, श्रद्धानंद मार्ग पर लाहौरी गेट से अजमेरी गेट और गुरु नानक चौक की ओर कमर्शियल गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है। गाड़ियों पर पाबंदी सुबह 11 बजे से लागू हो जाएगी और दोपहर 12 बजे से दिल्ली गेट से रामलीला मैदान, रंजीत सिंह मार्ग पर बाराखम्मा रोड से रामलीला मैदान और अरुणा आसफ अली रोड पर अजमेरी गेट से रामलीला मैदान के बीच गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर पाबंदी रैली खत्म होने तक रहेगी। ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को IP मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होते हुए जाने की सलाह दी गई है। जयप्रकाश नारायण अस्पताल जाने वाले सामान्य रास्ते से जा सकते हैं। और आइए इस बड़ी खबर पर सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह का, जो कि
इस वक्त रैली स्थल से हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले तो हमें बताइए इस वक्त वहाँ पे किस तरह का माहौल आप देखते हैं, किस तरह का लोगों में उत्साह देखते हैं, किस तरह की तैयारियां वहाँ पर देखते हैं और सुरक्षा के इंतजाम की बात करें भी तो। देखिए, गाजे बाजे के साथ समर्थक आने शुरू हो गए हैं। 1 से 1.25 लाख के बीच भीड़ होगी, ऐसा बीजेपी के जो आयोजक हैं यहाँ उनका कहना है। तेजस्वी पिछली बार सिर्फ 4 कदम दूर रह गई थी बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने से। हम अपने कैमरामैन नीरज तिवारी से कहेंगे आपको पहले मंच की तस्वीरें दिखाएं। मंच बहुत ही भव्य बनाया गया है, दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे का रंग है केसरिया और हरा, दोनों कलर से पूरा मंच सजाया गया है। और मंच के नीचे की तरफ जो आइकन है बीजेपी के, दीनदयाल उपाध्याय हैं और उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन लोगों के चित्र लगाए गए हैं। फूलों से पूरा ये सजाया गया है। जहां तक जनता की बात करें, आगे की तरफ जनता को बैठने का इंतजाम यहाँ किया गया है। हालांकि जो रैली का जो समय है वो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 12:30 बजे के बाद ही पहुंचेंगे और इसलिए यहाँ अभी कुछ कम मात्रा में लोग भले ही पहुंच रहे हों, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, जिस तरह का इंतजाम बीजेपी ने किया है, बीजेपी का ये दावा है कि 1.25 लाख लोगों को जुटाने का इंतजाम किया गया है, तो उम्मीद बीजेपी को है कि ये ऐतिहासिक रैली होगी। और दिल्ली में जो केंद्र सरकार बनी है उसके बाद कई राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उत्साह से लबरेज है बीजेपी के कार्यकर्ता और ये उम्मीद बीजेपी के लोगों को है कि ये ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, वहाँ बीजेपी की ऐतिहासिक रैली होगी। बिल्कुल अरुण, क्योंकि वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं, तो अगर आपने वहाँ पे उनके मिजाज को टटोला हो तो क्या देखने को मिल रहा है इस बार, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं दिल्ली के लोग, कौन सा वो बड़ा मुद्दा होगा, कौन सा वो बिग टिकट ऐलान आज कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो कि दिल्ली वालों को भाएगा, जिसके सपने में वो हो सकता है अपने मत का इस्तेमाल करें। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ रैली में नरेंद्र मोदी जी को सुनने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने पहले ही जो कॉलोनी थी, अनधिकृत कॉलोनी थी, उसको अधिकृत कर दिया। एक बहुत बड़ा तोहफा बीजेपी को की तरफ से ये दिया गया है दिल्ली के लोगों को। बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उनका ये कहना है कि 60 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने रखा है। पिछली बार सिर्फ 4 कदम से दूर रह गए थे, 4 कदम की दूरी से सत्ता चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, दिल्ली में अस्थिरता रही है। तो स्थिर सरकार एक देने के नारे के साथ, सुशासन के नारे के साथ, और अब की बार दिल्ली में भी मोदी के नेतृत्व में और मोदी की लीडरशिप में, चाहे वो उसके बाद जो कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे होगा, सुशासन के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ेगी बीजेपी। तो कार्यकर्ता जो है उत्साह से लबरेज है और इस बार उनको उम्मीद है कि जो 4 कदम की दूरी पिछली बार रह गई थी उसको पाते ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा सीटें ला करके, और दिल्ली में भी जो देश का दिल है दिल्ली, वहां भी बीजेपी का झंडा फहराएंगे और यहां जो किला है दिल्ली का किला, उसे भी फतेह करेंगे सियासी रूप से। जाहिर तौर पर अरुण, और झारखंड हरियाणा सरीके राज्यों में जीत के बाद अब बीजेपी की यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो अश्वमेध घोड़ा है वो और रफ्तार पकड़े दिल्ली में भी। नजर बनाए रखिए, आज की बड़ी खबर वहीं से आप हमें देने वाले हैं अरुण, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।